दोस्तों, 130 करोड़ भारतीय जानना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। उसने आत्महत्या करी है या कि उसकी हत्या की गई है? जी हाँ, 130 करोड़ भारतीय जानना चाहते हैं। ये फिगर निकाल के दे रहे हैं हमारे मीडिया चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स। 130 करोड़ भारतीय, यानी कि हमारे 130 करोड़ भारतीयों को इससे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ इस वक्त कोई भी नहीं है। बेसिकली कोरोना काल के इस संकट में लगभग बहुत से लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं और बहुत से लोग 30 से 50% के सैलरी कट के बाद अपनी नौकरी बचा के चला पा रहे हैं। लेकिन उन सबको चिंता अपनी उस नौकरी की और कोरोना कब ख़त्म होगा इस चीज़ की नहीं है। 130 करोड़ भारतीयों को चिंता है तो ये है कि सुशांत की मौत का राज जल्दी से जल्दी खुल जाए। यहाँ पर असली चक्कर ये है दोस्तों कि कोरोना वायरस की न्यूज़ को पिछले 5 महीने से दिखा दिखा कर न्यूज़ चैनल्स ये समझ चुके हैं कि अब ये ऐसा नींबू हो गया है जिसमें से रस निकालने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब उसमें से वो एक बूंद भी रस और नहीं निकाल सकते। और कोरोना में जब तक कुछ नई डेवलपमेंट नहीं होती, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन यहाँ पे नहीं आती, तब तक अब उस न्यूज़ में उनके पास दिखाने लायक कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो भी वो दिखा सकते थे या जो नहीं दिखा सकते थे, वो सब वो दिखा चुके हैं। इसीलिए अब नई न्यूज़ जो उनकी पकड़ में आई है वो है सुशांत सिंह राजपूत की ट्रेजिक मौत। और इसी न्यूज़ को कवर करते हुए हमारे न्यूज़ चैनल्स किस नीचता के ऊपर उतर आए हैं और अपने सारे वर्क एथिक्स इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, इसी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी आदमी की एक ट्रेजिक डेथ को इन्होंने किस तरह एक पब्लिक सर्कस बना दिया है, ये चीज़ आपको हमें समझ आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उसके ऊपर जो ये 7 से 8 घंटे रोज़ टीवी में दिखा रहे हैं, उसका भांडा भी वो हमारे और आपके सर ही फोड़ रहे हैं कि 130 करोड़ भारतीय ये जानना चाहते हैं।